दोस्तों, आज हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का पार्ट 4 लाए हैं। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं जिसमें हमने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 300 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 301 से डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 400 तक। और ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ये भौतिक विज्ञान के इस बुक से हमने लिए हैं, और ये बुक जो है ये रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित बुक है। और इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए होते हैं वो सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होते हैं। इस दृष्टि से इस बुक में उपलब्ध कराए गए सारे प्रश्न आने वाले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 301। 1270 केल्विन से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया प्रभंजन आसवन कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभंजन आसवन। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होता है? तो मनुष्य में आमतौर पर अक्ल के दांत 17 से 30 वर्ष की आयु सीमा में पैदा होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है? तो ऊष्मा के विकिरणों की गति प्रकाश के गति के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश के गति के बराबर होता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा, क्योंकि तो जब एक हथौड़ा को धूप में रखा जाता है तो लोहे का हथौड़ा लकड़ी की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, क्योंकि लोहा अधिक ऊष्मा क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दो रेलों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो दो रेल पटरियों के बीच में जोर पे एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पे फैलती है तथा ठंडा करने पे संकुचित होती है, इसीलिए दो रेल पटरियों के बीच में छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कार्बोनेट किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर्स पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेट्रोल इंजन में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ताप युग्म। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर की सहायता से 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर को नापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें से बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन स्केल पे 310 केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंडक्शन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? जब तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तो सभी गैस उस स्थिति में शून्य आयतन घेरेगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान होता है -40 डिग्री टेम्परेचर पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऊष्मा का प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा का प्रवाह तापमान में अंतर का परिणाम होता है। जब तापमान में अंतर होता है दो वस्तुओं में, तब ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक्सरे का शोधक था, तो एक्सरे किरण का या एक्सरे रे का शोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक्सरे का शोध किया था रोएंटजन ने। एक्सरे पार नहीं कर सकती है, तो एक्सरे की भेदन क्षमता इतनी नहीं होती है कि वह मानव अस्थि को पार कर सके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज ऑटो हन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑटो हन। सघनन क्या है? तो सघनन वाष्प का दर में जब परिवर्तन होता है तो उसे सघनन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, तो पानी का वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊष्मा क्षेपी परिवर्तन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? तो चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चारों ओर उच्च दाब से घिरा होता है और केंद्र में निम्न दाब होता है, तो उस स्थिति में चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घटते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो जब दाब को बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में बर्फ का गलनांक घटता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, एक कृष्ण पिंड अवशोषित करता है, एक प्रकार के कृष्ण पिंड सभी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय तेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुतिहीन होता है? तो सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुतिहीन दिखाई देता है। इसका कारण है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है? इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ता है। तो इसका कारण हो सकता है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाला से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? तो मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे मछली के नीचे ध्यान लगाकर मारना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मछली के नीचे ध्यान लगाकर उसे भाला मारना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि? तो तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, इसका कारण है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है, इसीलिए चमक पहले दिखाई देती है जबकि ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण का मान होगा 0 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके डैश में,
तो जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो उसके परिवर्तन आता है उसके आयाम में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसके आयाम में परिवर्तन आता है जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी कंपित पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? किसी कंपित पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को की स्थिति को कहा जाता है आयाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो एक आदमी जो है वो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह मायोपिया दृष्टि दोष से ग्रसित है। मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष से वह ग्रसित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मायोपिया से ग्रसित है। मायोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य को 25 सेंटीमीटर की दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो जब कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी तक नहीं देख पाता है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया होगा। हाइपरमेट्रोपिया कहने का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपरमेट्रोपिया। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? तो सूर्य के प्रकाश को नाभि बिंदु पर अर्थात केंद्र पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश का एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है? एक समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश का एक वास्तविक प्रतिबिंब रूप ले सकता है किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी परिस्थिति में नहीं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्प्रिंग में जो बैलेंस होता है वह हुक के नियम पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हुक का नियम। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि हमारे आसपास वायुमंडल अनुपस्थित होता तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, काला। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। तो आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को
उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्टियोमीटर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो एक कमरा में, एक फोटोग्राफिक कमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। निम्न में से कौन मैग्नीफाई ग्लास का की भांति प्रयुक्त किया जाता है? इनमें से कौन मैग्नीफाई ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है मैग्नीफाई ग्लास के रूप में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दी गई प्रकाश को एक जगह इकट्ठित, संकेंद्रित, एक ही केंद्र पर इकट्ठित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और वह दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की सहायता से प्रकाश को एक केंद्र पर एकत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे एक प्रकार के अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठोस धातुओं में होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग इस्पात में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठोस धातुओं में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है? तो जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करती है तो वह अपने साथ ऊर्जा को भी ले जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा का परिवहन करती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं? जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ता है तो हम उसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि की तीव्रता से हम ध्वनि के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता कितनी ज़्यादा है या कम है, उसके आधार पे हम ध्वनि के स्रोत के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर संचार उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है? तो मनुष्य के आँख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। मनुष्य के आँख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण परावर्तन के कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण है? तो हम लोग सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से पहले भी देख पाते हैं और सूर्यास्त हो जाते हैं उसके बाद भी हम सूर्य को देख पाते हैं, इसका कारण है अपवर्तन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का डैश होता है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। जब परावर्तक सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है तो उससे प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षेत्रफल अधिक हो परावर्तक पृष्ठ का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का लगभग वेग होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 330 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि का वेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य पर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाले रंग होता है लाल, जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी कलर का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बैगनी कलर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह है अगला क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैगनी रंग। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो वह ध्वनि की डेसिबल में वह क्षमता या वह अधिकतम सीमा जिसको व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता है, और वह तीव्रता है ध्वनि की 95 डेसिबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 95 डेसिबल ध्वनि को कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। तो नॉटिकल माइल एक प्रकार की दूरी का इकाई है जिसका प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाज के नेविगेशन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेविगेशन में। अगला क्वेश्चन है,
एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। तो एक ओर से बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी सभी विषम हार्मोनिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी विषम हार्मोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल के मापनी में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से 10 गुना अधिक उच्च है। तो 20 गुना ध्वनि 10 गुना ध्वनि से 2 गुना अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 गुना। 10 गुना ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि की 2 गुना 20 डेसिबल ध्वनि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक टीवी सेट को संचारित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो टीवी के रिमोट में कंट्रोल के लिए एक प्रकार की सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग की सहायता से टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीले रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वह वस्तु काली दिखाई देगी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक हैं? फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है हाइपो, वह रासायनिक रूप से क्या होता है? तो वह हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। बैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो प्राबैंगनी किरणों को हमारे ओजोन परत उसे अवशोषित कर लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओजोन परत। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाले प्राबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, और ये प्राबैंगनी किरण हमारे स्किन के लिए हानिकारक होता है। और ये ओजोन परत उसे प्राबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारी रक्षा हो पाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह वर्ण है लाल, जो सबसे कम विचलित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है, और क्यों रिसती है? तो एरोप्लेन यात्री जब फाउंटेन पेन को अपने साथ ले जाती है तो उसके स्याही रिसने लगती है। इसका कारण है कि एरोप्लेन जब ऊपर उड़ती है तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर पर कम होता है, इसीलिए फाउंटेन पेन का स्याही रिसने लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह पर कम होता है।
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है सागर की गहराई को मापने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सागर की गहराई को मापने में किया जाता है इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल में ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का दो अलग अलग स्वरूप हैं। तो प्रकाश का दो अलग अलग स्वरूप हैं, विवर्तन तथा फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विवर्तन तथा फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती है। तो ऐसे तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग एक प्रकार के ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है क्योंकि प्रकाश जो है वह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, चुंबकीय क्षेत्र से। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह है अगला क्वेश्चन। मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तो मायोपिक आँख को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस से। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले डैश जैसे कार्य करते हैं। तो पानी में हवा के बुलबुले अवतल लेंस की भांति कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस की भांति। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, 8 मिनट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शनीय देता है। तो दिया को अधिकतम दर्शनीय दार्शनिक देने वाले कलर हैं पीला रंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीला। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन।
छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र को कैलिडोस्कोप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलिडोस्कोप। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है। तो जब रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है डॉपलर का प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये है अगला क्वेश्चन। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है? तो पास आती हुई रेलगाड़ी या फिर किसी भी गाड़ी की सीटी की आवाज़ अधिक या क्षीणता बढ़ती हुई प्रतीत होती है, इसका भी कारण होता है डॉपलर के प्रभाव। डॉपलर के प्रभाव के कारण ही रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तेज सुनाई पड़ती है पास आते हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि एक लड़का रफ्तार से बढ़ रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है, तो यदि एक लड़का रफ्तार से बढ़ रही तेज ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद को हवा में फेंकता है तो वह गेंद भी उसके साथ उसके हाथ में ही गिरेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गेंद उसके हाथ में गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होता है? एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होता है? तो इसका कारण है ट्यूबलाइट के सतह का क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है, जिसके कारण ट्यूबलाइट की प्रकाश शीतल महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्यूब के सतह का क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। तो इसको ओम का नियम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम का नियम। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग हैं। तो प्रकाश तरंग एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योति फ्लक्स। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अपारदर्शी वस्तु का रंग इनमें से रंग के किस अवस्था के कारण होता है? तो एक अपारदर्शी वस्तु का रंग किस अवस्था के कारण उसमें रंग होता है? तो किसी भी अपारदर्शी वस्तु है उसका रंग महसूस होता है हमें उससे होने वाले प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परावर्तन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो टुकड़े के साथ इनमें से क्या होगा?
एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो टुकड़े का साथ क्या होगा? तो जब पानी को गर्म किया जाएगा तो टुकड़ा जो है लकड़ी का वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थोड़ा उठ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, और यह है अगला क्वेश्चन, मायोपिया में होता है। तो मायोपिया एक प्रकार के दृष्टि दोष हैं। मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो हमारे आँख की जो एक बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया, उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है पर्दा की डैश से। तो पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है पर्दा की अवलोकन के आकार के रूप में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवलोकन आकार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया? तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार फोर्ड ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फोर्ड ने। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो जब लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला दिया जाएगा तो जिसके परिणाम स्वरूप सफ़ेद रंग का निर्माण होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सफ़ेद। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो एक इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपित होने वाला रंग है बैंगनी रंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंगनी। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब।